हे गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, विंटर टाइम चल रहा है और विंटर टाइम आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न होता है। ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स का हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इनके केज में कुछ भी, मतलब इनके कॉलोनीज़ में अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि ब्रीडिंग का उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जैसे दाना है वो हमें प्रॉपर रखना होता है, साफ़ सफ़ाई का भी हमें ख्याल प्रॉपर रखना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो है ना होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जो है ना हमें देखने को मिलती हैं। आज सैटरडे है, कल संडे है और कल जो है ना मैं अपनी पूरी कॉलोनी को साफ करूँगा, क्लीन करूँगा। अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और परसों मैं एक वीडियो डालूँगा जो ब्रीडिंग अपडेट होगी मेरे यहाँ कॉलोनी की। तो गाइस, जितना भी आप देख रहे हैं सारे के सारे मेल बैठे हुए हैं बाहर और फीमेल सब के सब जो है ना अंदर हैं, कॉलोनी के अंदर हैं। अभी आया था तो मुझे लगा कि बर्ड्स को जो है ना देना चाहिए खाने के लिए मिट्टी, क्योंकि मेरे यहाँ केज में मिट्टी बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल भी कम हो गई थी। सॉरी, कॉलोनी में मिट्टी ख़त्म हो गई थी। और आपको पता है कि ब्रीडिंग टाइम में मिट्टी इनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप एक अच्छी ब्रीड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ब्रीडिंग जो है ना वो एकदम बेहतर रहे, परफेक्ट रहे, तो आपको केज में मिट्टी तो प्रॉपर हर हाल में ही रखनी है। भले ही आप जो है ना कटल फिश बोन ना रखो या और कुछ ना रखो, लेकिन आपको जो मिट्टी है ना वो आपको प्रॉपर देनी होती है केज के अंदर। और वो जो है ना अभी मेरे केज में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने केज में रखने से पहले, कॉलोनी में रखने से पहले अपने व्यूअर्स के साथ में भी मैं जो है ना शेयर कर देता हूँ। ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन हमें देते रहना चाहिए, लोगों को अपडेट में रहता है, सबको पता है कि हाँ मिट्टी बर्ड्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि आपके बर्ड्स जो है ना वो एग्स की क्वांटिटी नहीं होगी, अदरवाइज़ एग्स जो है ना बेटर नहीं होंगे बर्ड्स के लिए। और ये इनकी मिट्टी जो है ना इंसान की लाइफ का, सॉरी बर्ड्स की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इनको जो है ना खाते हैं ये, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके लिए ज़रूरी होती हैं। अभी मैं रखूँगा केज के अंदर और आपको दिखाऊँगा कि ये सारे के सारे जो है ना कैसे मिल करके उसको खाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी मिट्टी है। तो गाइस, ये है वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं नदी और तालाब के किनारे, ये आपको आराम से मिल जाएगी। मेरे पास अभी इतनी थी तो जो है ना मैं इनको देने जा रहा हूँ, मेरे पास भी ख़त्म हो गई है। हम क्या करेंगे कि जब लेने जाएंगे तो उसकी एक वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपको जो है ना पता चल सके कि ये मिट्टी हमें कहाँ पे अवेलेबल होगी। बहुत सारे लोग यार जानते तो हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाती कि भाई चिकनी मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, कैसी होती है, वो सारी चीज़ें जो है ना। और इससे रिलेटेड यार प्रॉपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, बट मैं ये करने जा रहा था तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ में भी हम जो है ना इस बात को शेयर करते हैं। बट यार शोर कर रहे होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ शायद आपको उतनी ज़्यादा बेटर ना आ रही हो, लेकिन चलिए हम जो है ना इसको केज में रखते हैं। तो गाइस, ये मैंने अपनी कॉलोनी के अंदर रख दिया है और सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो अभी देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जस्ट अभी रखा है तो अभी वो जो है ना आ नहीं रहे इसको खाने के लिए। अभी आप देखेंगे कि सब के सब जो है ना आने लगेंगे खाने के लिए।